फिरोजपुर में प्रधानमंत्री के साथ क्या हुआ और वो कैसे 15 से 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर फंसे रहे। किसान उनका रास्ता रोक रहे थे और उनके काफिले के पास बीजेपी का झंडा लेकर आखिर कौन पहुंचा था, देखिए। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक कितनी गंभीर थी और कैसे फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक फंसे रहने के बाद पीएम मोदी को वापस लौटना पड़ा, इसका पूरा सच आपको कुछ बेहद चौंकाने वाले वीडियोस के जरिए दिखाते हैं। सबसे पहले इस वीडियो पर गौर कीजिए और सुनिए कि ये किसान नेता क्या कह रहा है। आज तो आड़ी ताकत ने मोदी नु रैली नहीं करन दित्ती, मोदी नु भजाना इत्थों। सुना आपने, ये है भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी का लीडर सुरजीत सिंह फूल। ये खुलेआम अपने संगठन के किसानों को पीएम मोदी का रास्ता रोकने और उनकी रैली रद्द करवाने के लिए बधाई दे रहा है। यही नहीं, बस के ऊपर सवार फूल सिंह कह रहा है, हमने पीएम मोदी की रैली की जगह से पहले 10 से 11 किलोमीटर की सड़क को ब्लॉक कर दिया है। मोदी ने तोड़े मुड़े कैल कटे थी मोदी ने, और तुसी आज उन्हें पैरां थले तुसी सड़कां पे आके बिछा दी। आज तुहाडी ताकत ने मोदी नु रैली नहीं करन दित्ती, मोदी नु भजाना इत्थों। उन्हें किलों का जवाब तुसी सड़कां पे आके बिछा के दिता अज। सो तुहाडा सारे का बहुत बहुत धन्यवाद, जिहड़े वीर दम रख के लड़े आ तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। फूल सिंह ये भी कह रहा है कि बीजेपी ने उन पर पानी की बौछार करवाई थी और अब उन्हें पानी के बीच से जाना पड़ रहा है। और अब देखिए ये दूसरा वीडियो जिसमें पुलिस फूल सिंह और उसके साथियों से मिन्नतें कर रही है कि वो बस से उतर जाएं, रास्ता खोल दें और पीएम मोदी को रैली की जगह तक जाने दें। मगर किसान टस से मस नहीं हुए। यहाँ जो बसें दिख रही हैं वो पीएम मोदी की रैली में लोगों को लेकर जा रही थीं, मगर जाम की वजह से उन बसों को भी यहीं रोक दिया गया। इधर पुलिस किसानों से मिन्नतें कर रही थी, उधर पीएम मोदी की कार के पास बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच गए। ये चौंकाने वाला वीडियो देखिए। कल कुछ वीडियो में बीजेपी का जो झंडा लहराता दिख रहा था वो यही झंडा है। देखिए कैसे पीएम मोदी की कार के पास ये बीजेपी कार्यकर्ता पहुंच गए हैं और जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। दरअसल इन कार्यकर्ताओं की अगुवाई बीजेपी स्वच्छ भारत अभियान के पंजाब प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शिवम शर्मा कर रहे थे और एसपीजी के सुरक्षा कर्मी इन्हें संदेह की नजरों से हैरान होकर देख रहे थे। सुरक्षा नियमों के मुताबिक किसी का भी सुरक्षा घेरे को तोड़कर पीएम के इतना करीब आना गैरकानूनी है। वहीं आज तक ने शिवम शर्मा से बात की तो उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को जमकर खरी खोटी सुनाई। पंजाब प्रदेश के आप मुख्यमंत्री हैं, अपनी जिम्मेदारियों से आप भाग नहीं सकते हैं। वहां पे कितनी कुर्सी थी, कितने लोग थे, ये हमें पता है। और बेहद दुख लगा कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ा कि अपने मुख्यमंत्री को कह दीजिए, धन्यवाद कहिएगा कि मैं वापस जिंदा लौट के जा रहा हूं। अब आपको बताते हैं किसानों को पीएम के रूट का पता कैसे चला। किसान नेता फूल सिंह ने फेसबुक पर जारी वीडियो में बताया कि उनका संगठन फिरोजपुर के डीसी के दफ्तर का घेराव करने जा रहा था, मगर पुलिस ने उन्हें रोक दिया और कहा कि यहां से पीएम मोदी को गुजरना है और वो आगे नहीं जा सकते हैं बल्कि सड़क के किनारे प्रदर्शन कर सकते हैं। इस तरह फूल सिंह के मुताबिक पुलिस ने ही उन्हें पीएम के रूट की जानकारी दी। हालांकि पंजाब पुलिस का बयान इस पर नहीं आया है, मगर ये सारे वीडियो दिखाते हैं कि कैसे पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक हुई जो कोई गंभीर मोड़ ले सकती थी। वहीं पुलिस किसानों से मिन्नतें करती रही। मंजीत सहगल के साथ सतेंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक।